सभी वैक्सीनेटर भाइयों को नमस्कार। आप जानते हैं मैं हूं अंकुर तिवारी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग। दोस्तों, मैं वैक्सीनेटर और सहायकों के लिए लगातार वीडियो बनाता रहता हूं और हमारा एक वैक्सीनेटर सहायक करके एक WhatsApp पे ग्रुप भी चल रहा है जिससे काफ़ी लोग जुड़े हैं। खैर, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। आज का मेरा वीडियो इस मैटर पर होने वाला है कि बहुत सारे लगातार मुझे कमेंट मिल रहे हैं कि सर ये बताइए कि आईडी कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिसको पहचान पत्र बोलते हैं हिंदी में। तो जितने भी वैक्सीनेटर और सहायक हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अभी तक जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कहीं ना कहीं सारे काम जो है धीरे धीरे हो रहे हैं। कुछ जगहों पर जो है वैक्सीनेटर और सहायक की भर्तियाँ हो चुकी हैं, काम शुरू है, और कुछ जगहों पर अभी भी होनी बाकी हैं, कहीं पर हो रही हैं। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि कहां कहां हो गई हैं और कहां कहां भी हो रही हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं ये बताना चाहूंगा कि सभी लोगों को जो है चाहे वो वैक्सीनेटर हों या वो सहायक हों, सबको जो है पहचान पत्र दिया जाएगा। और अब बात करते हैं पहचान पत्र कहाँ से मिलेगा। तो आपका जो पहचान पत्र होगा वो आपके जो है जो भी डॉक्टर्स होंगे उनसे आप संपर्क कर लीजिए और ये पहचान पत्र आईडी कार्ड उन्हीं के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हो गया है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, सब कुछ ठीक ठाक है और वहाँ से आपको जो है चयनित कर दिया गया है, तो आपको आईडी कार्ड भी बना करके दे दिया जाएगा। उसमें ज़्यादा आपको कोई भी टेंशनबाजी की ज़रूरत नहीं है और ना इधर उधर ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत है। आप उनका फ़ोन नंबर ले लीजिए, पशु चिकित्सक का जो भी हो, और आप उनसे संपर्क में जो है लगातार आप रहिए। तो उन्हीं के माध्यम से जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उन्हीं के माध्यम से आपको ये मिल जाएगा और ज़्यादा आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे हिसाब से। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है और इस मैटर पर ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको, अगर आपको नहीं पता, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है नीचे, व्हाट्सएप का लिंक भी है, आप वहां से जुड़ सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जितना मुझे जानकारी रहेगी, जितना मुझे जानकारी है, उस हिसाब से मैं आपकी हेल्प करूंगा। फिर मिलूंगा मैं किसी और दोस्तों, हाँ मिलूंगा बाद में। पहले एक चीज़ और आप जान लीजिए कि लोग वीडियो देखते हैं ना तो लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना घंटा बटन दबाते हैं, ना वीडियो शेयर करते हैं, जिसके वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ और वो वीडियो कुछ 40-50 आदमियों तक, 100 आदमियों तक, 200 आदमियों तक ही सिमट कर रह जाता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैक्सीनेटर और सहायक एक मंच पर जुड़ सकें, जिससे भविष्य में कोई भी, मान लीजिए सैलरी बढ़ाना हो, कुछ भी हुआ, अगर हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना हुआ, कुछ भी करना हुआ, तो हमारा एक पूरा मंच रहेगा और एक ही सूचना पर हम सभी लोग जानकर आपस में जुड़ जाएंगे और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो काम होगा। तो आप लोगों से एक आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि इसको जो है एक बड़ी फैमिली बनाया जा सके और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको मिलकर सॉल्व किया जा सके। मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा किसी एक नए वीडियो के साथ, अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग अंकुर तिवारी के साथ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।